इस वीडियो में हम 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय त्यागी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अजय त्यागी बने हैं। द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमर जमान। द मिस्ट्री बिहाइंड गूगल मैप्स रैंकिंग, हाउ टू रैंक योर बिजनेस हायर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक कमर जमान ने लिखी है। टॉप बुक शेड्यूल के ऑथर जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक भालचंद्र मंगेकर ने लिखी है। अ प्रोमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। माय लाइफ माय मिशन पुस्तक बाबा रामदेव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमन चक्रवर्ती। जी डी बिरला पुरस्कार 1991 में स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष के से कम आयु के प्रखर भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियर वैज्ञानिक में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जी डी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन, एचडीएफसी बैंक को एशिया में बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में एशियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत अभिनेता को सम्मानित किया गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फर्स्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फर्स्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है। फर्स्ट का फुल फॉर्म 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप और इस टेलीस्कोप का नाम तियान ऑन है। इसका चीनी भाषा में अर्थ स्वर्ग की आंख होता है। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई है और इस दूरबीन के खुलने से स्पष्ट है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है। चीन के पास फर्स्ट का स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार है। इस रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग एलियन लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर ब्लैक होल गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों को स्टडी करेगा। चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमियावी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांत्सी नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है। यह 13 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रीफेड। संकल्प से सिद्धि पहल को ट्रीफेड ने लॉन्च किया है। ट्रीफेड का फुल फॉर्म ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया है। संकल्प से सिद्धि
पहल या 100 दिन का अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है और वन धन विकास केंद्रों में जनजाति आबादी के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुविधा प्रदान करना है। संकल्प से सिद्धि पहल का लक्ष्य 100 दिन में भारत के 1500 गांव कवर करना है। ट्रेफिड के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म ट्रेवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र मीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IISc बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वहीं कलकत्ता इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय का देश का बेस्ट विश्वविद्यालय रहा है। हाल ही में शंघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। शंघाई रैंकिंग 2020 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, पहले पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, दूसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, तीसरे पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी DRDO। DRDO द्वारा विकसित एडवांस चॉप टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह दुश्मन की मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कम चॉप मटेरियल का उपयोग करता है और जोधपुर में स्थित DRDO प्रयोगशाला में उन्नत चॉप प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए गए हैं। ये शॉर्ट रेंज चेफ रॉकेट, लॉन्ग रेंज चेफ रॉकेट और मीडियम रेंज चेफ रॉकेट हैं। चॉप का मतलब, चॉप को मूल रूप से विंडो कहा जाता है। चॉप तकनीक का उपयोग दुनिया भर में नौसैनिक के जहाजों में दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। DRDO के बारे में जानकारी, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को DRDO ने विकसित किया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षित बाइक एम्बुलेंस DRDO ने विकसित की है। सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया कोरोना वायरस के कारण 2021 में टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में होगा। IOC विश्व में के ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस वॉच है। उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी, उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दोनों भाग में बांटती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रुनरडो फास्ट मई स्टेडियम उत्तर कोरिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कोरोना टीकाकरण कराने वाले को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अनूठी उपहार योजना का उद्देश्य कोरोना टीकाकरण कराने वाले को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के अवसर पर अनूठी योजना का संचालन करने
जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में तीन वर्गों में विभाजित सर्वाधिक टीकाकरण कराने के जिलों को लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, चौथी चरण से हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजोसा ओस्मानी सादरायु किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोसोवो। बजोसा ओस्मानी सादरायु कोसोवो देश की नई राष्ट्रपति बनी है। कोसोवो देश के बारे में जानकारी। कोसोवो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। कोसोवो की करेंसी यूरो है। कोसोवो की प्रधानमंत्री का नाम अल्बिन कुर्तो है। कोसोवो की राष्ट्रपति बजोसा ओस्मानी सादरायु बनी है। टॉप देशों के राष्ट्रपति करंट अफेयर्स रिवीजन, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस एबिनडन बने हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुला हसन बने हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूअल मैक्रोन बने हैं। ताइवान के राष्ट्रपति साई इन वेन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को मौखिक, शारीरिक, यौन या मानसिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में विवेक के महत्व और भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इस बार को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि सभी का स्वाभिमान है और सभी को शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जीना का अधिकार है। अप्रैल मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।